पुलवामा अटैक का शहीदों के नाम पे इन्होंने वोट मांगा था ना। अभी तक जांच नहीं हुई कि 300 किलो आईडीएस कहाँ से आया था। इस बात का जवाब दे मेरी बीजेपी गवर्नमेंट, कहाँ से आया था बताइए भाई, आप बता दो। 300 हमारे शहीद जवान हुए थे अभी तक आपको पता नहीं शहीद हुए थे तो उसकी जाँच अभी तक की नहीं हुई। उसके नाम पर वोट मांगा था इन्होंने मोदी जी ने, पूछो आपको ये तो याद होगा थोड़ा भाजी, आप बताइए। नहीं बताए। अच्छा मोदी जी की गारंटियों को लेकर आपका क्या कहना है, पसंद आ रहा काम उनका, मोदी जी का काम पसंद आ रहा? नहीं, मुझे मोदी जी का काम पसंद आ रहा, वर्ल्ड उनकी जय जयकार कर रहा है। आप कई हैं हमारे हिंदुस्तान में, हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती, हर को आप हर को तुम जलेबी खिलाओगे मिठास खिलाओगे नहीं खा सकता हर कोई। कोई शुगर का पेशेंट है, कोई किस तरह का पेशेंट है, हर एक का अपने अपनी सोच है, हर एक का अपने अपने विचार है। इन भाई साहब का विचार के हिसाब से मोदी जो है नॉट इज गुड। अच्छा क्या काम पसंद आया आपको, क्या लगा कि मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया जो आपको वोट दे? मोदी जी का कौन सा काम पसंद, मुझे कौन सा ऐसा काम है जो उनका मुझे पसंद आया? सबको एक साथ जुट किया हुआ उन्होंने, हर एक को प्यार दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हर एक सोच है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मानता हूँ, चलो आपने आपकी नज़र में मोदी जी अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई भाई बहन बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनकी पहला बात मान लेते हैं फिर उसको मुकर जाते हैं, तो बताइए चरित्र क्या है इनका? जी दूसरा बात करना अच्छी लगता है क्या, मोदी जी को शोभा देता है क्या? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसान भाई बहनों को 700 किसान मरवा दिए थे पहले, बताइए बोलमा। और उनको कहता है वो खालिस्तानी है, गलत है ना ये? तो आप बताइए इस चीज को, बोलो आपने बोले पूछिए। मुझे नहीं पता, मुझे नफरत फैलाने का काम हो रहा है। नहीं ब्रह्म, ऐसा तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, हम भी व्यापारी आदमी है, ऐसा मुझे कोई ब्रह्म वाला काम नहीं लगा, ब्रह्म वाला कोई काम नहीं लगा, किसानों का मामला है, मुझे मामले नहीं। अच्छा रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है रोजगार मिल रहा है मोदी सरकार? बहुत अच्छा मिल रहा है, हर आदमी खुश है, हर आदमी खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी खुश है। भाई आप हर आदमी खुश की नहीं कर सकते, आज हर आदमी ना 80% आदमी दुखी है, आज आदमी रोजगार नहीं कर सकता। यही दिल्ली की चांदनी चौक की बता दूं, अगर आप ये कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा बंदा? यहाँ आप चाय की रेडी लगा लो, आपसे रिश्वत जाएगी, रिश्वत नहीं है परेशान करेगा, तो कैसे मान लो आजाद होगा भारत? जब बंदे को अपने देश में व्यापार करने की फ्रीडम ना हो तो कैसे मान लो आजाद? अरे तो दिल्ली गवर्नमेंट किसके अंडर में आती है, तो ये दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस करती रिश्वत थोड़ी, बताइए। एमसीडी का मामला है वो, मुझे पुलिस किसके अंडर में आती है मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो हर इंसान शुक्राना करता है, किसी भी आप ममडन से पूछ के देख लीजिए उसको कारोबार कैसा है। युवा है जो आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं अभी अब सामने आके कहने लगी इतना अपराध। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया अभी तक, मैं भी व्यापारी आदमी, मुझे बस सारे आते हैं, मैं जिसको देख लो, हम किसी ममडन से भी पूछते हैं भाई कारोबार कैसा है, कहता है अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार है, अल्लाह ने बहुत अच्छे हमें बरकत दे रखी। अभी अभी जो हमारे कुछ ममडन पिछले एक हफ्ते पीछे चले गए, पाजी आप पिछले एक हफ्ते पीछे चले, हमारे ममडन भाई जो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं उनको एक पुलिस वाला आकर लात मारता है, क्या वो अच्छा कार्य किया था उसने? तो गलत है ना, तो मतलब पुलिस ने किसको राइट दे दिए क्या? आप उन नमाजियों को लात मार सकते हो, आप उनको गलती है उन पर केस करो। बैंगलोर में क्या हुआ भाई, तो सारी बात कहानी आई, आप उन पर केस करो, आप कानूनी कार्रवाई करो, आप लात मारने का राइट नहीं होता। अभी बैंगलोर में क्या, सब जगह ही खुल जाएगी बोल, सब जगह सबकी जिक्र करते हैं भाई, सबका जिक्र करते हैं, बात होगी सच्चाई की। जब पता हो मेरे इन्फॉर्मेशन, जब जो मैंने देखा ना, नहीं बैंगलोर का नहीं पता, आप बताइए ना क्या हुआ? अपनी दुकान में हनुमान चालीसा चला रहा, वो चार लड़का है उसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं भाई? देखो सबको अपना राइट है, जो चीज गलत है वो गलत है, राइट है उसको मारना? नहीं नहीं ये गलत है, मैं तो खुद कह रहा हूँ चीज को गलत है, तो बोलते रहे दादा, लेकिन ये पर व्यक्ति का नहीं। रामपुर में अभी पता है आपको क्या हुआ? क्या बताइए, तो पर ऐसे मुझे भी नहीं पता था भाई साहब, रामपुर में डॉक्टर वी आर अंबेडकर के पोस्टर को लगाते चलते आराम से बोल रहा हूँ, माइक यही है, हाँ अंबेडकरवादी भी यही है, सुन लो ध्यान से, बाबा साहब के डॉक्टर वी आर अंबेडकर संविधान निर्माता के पोस्टर लगाते चलते पुलिस वालों ने गोली से भून दिया बंदे को, 70 साल के युवक को, बताइए अब बताइए जय प्रशासन को राइट से क्या, बताइए ना गलत करा ना? तो बस ऐसे ही भाई साहब, हर जगह कहीं गलत हो रहा कहीं से, तो आप जो गवर्नमेंट है ना उसका क्या हुआ? अरे सारी बातें खुलेंगे ना, तो सरकार बदल दो ना, सरकार बदल लेंगे हम। अच्छा आपको क्या लग रहा है 2024 किसकी सरकार क्या है, किसकी सरकार आने वाली है 2024? लग तो रहा जो चल रहा है वही होगा आगे, बीजेपी आने वाले, बदलाव नहीं चाह रहे। नहीं क्यों बदला, देखो बदलाव सरकार में, अरे सुन तो ले, अरे मेरी तो सुन ले, खोल लियो फोन में खोलेंगे, अरे बोल खोल लियो, तेरे को रोक कौन रहा भाई, मेरी बात सुन। देखो बदलाव की दो वजह होती है, 2014 में बदलाव हुआ, सुन तो 2014 में बदलाव हुआ क्यों हुआ, कांग्रेस बहुत बुरा कर रही थी और लोगों को मोदी के रूप में एक ऑप्शन दिखा। अब क्यों नहीं 24 में क्यों नहीं है, क्योंकि भाजपा इतना बुरा नहीं कर रही जितना 14 में हो रहा था, प्लस में लोगों के दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बता दे कौन है, नाम बता दे, राहुल गांधी को आप नहीं देखते? एक मिनट मेरी बात नहीं, कोई चेहरा जब सामने, आपने किसको देखा
मोदी बच्चे बता दूं चेहरा इनको, चेहरा की इनको चेहरा के लिए सुनिए, गठबंधन को पता नहीं उनका नेता कौन है, सजीवी बारात का असली दूल्हा कौन है, दूल्हा बताइए। एक एक इन्होंने आराम से दूल्हा, आराम से बात बता दे, दूल्हा बता दूं, नाम बता दे, नाम आयरन लेडी का नाम सुना है शायद आपने, आयरन लेडी का नाम सुना है, आरएलडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं बता, चारवा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, कौन है, कौन रहा है, पता ही नहीं है देश देश में बैंड कुमारी, अगर बात एक अच्छी अच्छे एक अच्छे सीएम की बात करते हो तो उनके ये भाजपा वाले की दो सीट, मेरी बात एक दिमाग से ध्यान पर सुन लो, मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम बात भाजपा और कांग्रेस और बीजेपी की नहीं हो रही, बात हो रही काम की, आयरन लेडी की, काम की, जो जिन्होंने यूपी के अंदर इतिहास जाके देख लो, आयरन लेडी की दो सीट आ जाए ना, मेरा नाम बदल दियो, अरे दादा मेरी बात बोला जा रहा है कि 2014 के बाद कर्जा बढ़ गया है, दो सीट आ जाए तो मेरा नाम बदल दियो, कि 2014 के बाद इतना कर्जा बढ़ गया है तो किस तरीके से विकास हुआ है, क्या कह, कर्जा इतना बढ़ गया है तो किस तरीके से विकास हुआ, तरक्की भी कितनी किया मैडम, अगर कर्जा हुआ है तो तरक्की भी कितना किया है, 72 कंट्री के अंदर इंडिया का वीजा फ्री है, पता किसी को आपको, अभी तो कुछ कंट्री पाजी, अभी तो कुछ कंट्री में वीजा भी नहीं मिल रहा, आपकी बात जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता भाई साहब कौन सी पार्टी से हैं, और ये हमारे छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, मेरी बात तो बोल रहा हूँ मैं, ये हमको नहीं पता कौन सी पार्टी से है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को मालूम पड़ चुका है भी जो मोदी कर देगा वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, बस जो मोदी ने कर दिया, जो मोदी ने कर दिया, मेरी बात सुनो, हम मैं पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा मेरा, ठीक है जी, हमारे पंजाब में आया भगवंत मान आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब में जाके आप पूछो तो जी कितना बुरा हाल है, क्या लग रहा है महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है, मैडम महंगाई कम हुई है, कम कैसे हुई है, खर्चे बढ़ा लिए हैं, अच्छा पेट्रोल डीजल का प्राइस बोला था मोदी जी ने 35 रुपए प्रति, पेट्रोल डीजल के लेने से आदमी का 10 रुपए 20 रुपए लगने से मसला हल नहीं होता, आदमी को शांति चाहिए, देश की उन्नति चाहिए, जो मोदी जी ने की है, एनडीए 400 के पार, अब की बार मोदी सरकार कह रहे महंगाई कम हुई है मोदी सरकार में, क्या कहना है, इनको पूछिए अपना देश 114 से कितने नंबर पे आ गया, 111 नंबर पे आ गया, भुखमरी में किसमें वर्ल्ड में अपने भुखमरी में 111 नंबर पे आ गया, भाई मेरी बात सुनो, इंडिया पता क्या, हाँ सुनो सुनो, अरे रोज रोज मैं इसका बहुत उतारता हूँ रोजा भी, इंडिया भूखमरी में श्रीलंका अफगानिस्तान से, हाँ 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 सुन तो ले, अभी खुश मत हो, अभी आधी बात सुन के खुश मत हो, पूरी सुन ना, तू खुश नाराज हो जाएगा, सुन हाँ पूरी सुन पहले, इंडिया अफगानिस्तान श्रीलंका से भूखमरी में नीचे है और उनको अनाज खुद दे रहा है, तू उस रैंकिंग का मतलब ही समझ जा क्या है, वो कबाड़ है भाई, मैं आपको रैंकिंग बता, अरे वो बकवास है, मोदी जी आने, मोदी जी एक मिनट मैं इनको बता दूं, इनके अफगानिस्तान से लोग प्लेन में, तो लो पहले सुनने की क्षमता नहीं है इनमें, ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, पहले भी 80 करोड़ लोगों को दे रहे थे, अभी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो बताइए अभी ये बताइए जे शर्मनाक बात है क्या, अच्छी बात है शर्मनाक, अभी भी 10 सालों में इन्होंने विकास नहीं करा, इसके मतलब सुनो सुनो, जो 80 करोड़ से बाहर निकलना चाहिए, 60 करोड़ मिलना चाहिए, जो तुम यहाँ बोल रहे हो ना, इसका जवाब पहली बात तो मोदी जी संसद में दे चुके हैं, जाके सुन लियो, संसद में सुन चले, मेरी सुन ले, मेरी तो सुन ले, मेरी तो सुन ले, मणिपुर पर राहुल गांधी भाग गया था अपने पिल्लों को लेकर, सुन ले, अच्छा ये बताइए बोला जा रहा है कि मणिपुर में सुन तो सरकार में आपने दूसरी बात की बात, दूसरी बात सुन ले, जब बोलता है तो सुना सुन की हिम्मत रखा, सुना कर, दूसरी बात मैं तेरे को दिल्ली में ऐसे ऐसे लोकल लैंडलॉर्ड दिखा दूं, 8-8, 10-10 लाख रुपए मंथली किराया आ रहा है और वो अभी वहाँ पे अनाज लेने जा रहे हैं, 80 करोड़ में वे भी है, समझ गया, तो 80 करोड़ नहीं है, जांच करोड़ होती रहेगी, मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ वो लोग नहीं है, अच्छा ये बताइए, अगर आप अभी आप फुल पावर में हो, आपके पास परमात्मा ने दिया सब कुछ है, काम अपन कर रहे हो, अगर आप फ्री का अनाज खा रहे हो तो वो तो आपका दोष है ना, मोदी घर पे जाके थोड़ी ना बोलेगा भैया तुम क्यों अनाज ले रहे हो, अच्छा ये कहा जा रहा है कि मुफ्त अनाज की जगह शिक्षा क्यों नहीं मुफ्त करी जा रही है, रोजगार क्यों नहीं, एजुकेशन कहाँ कम है मैडम, एजुकेशन कहाँ कम हुई है, शिक्षा में 18% जीएसटी क्यों लगाया, 18 मैडम जी नोटबंदी हुई है मैडम, अपना नोट पहले आया, पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे आया, आपको मालूम है ना, क्या लगता है क्या फायदा हुआ नोटबंदी, कालाबाजारी बंद होगी मैडम, कालाबाजारी आपको लग रहा है, तो फिर अभी जो ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, फिर वो काला धन कहाँ से, वो जो अपने लोग खा गए, जो पहलों के पार्टियों के लीडर थे वो खा गए, उनके घरों से निकल रहा है, नोटबंदी से काला धन आया है देश, मोदी जी पहले कहते हैं भाई बहनों
हम करेंसी चेंज करेंगे तो काला धन आएगा, हम करेंसी चेंज करेंगे तो काला धन आएंगे, फिर कहते हैं करेंसी बंद करेंगे 2000 की नोट की तो काला धन आएगा। अरे आएगा कब, अपनी चित अपनी बट, क्या कर रहे हो आप? कांग्रेस सरकार जिंदा, नुकसान किसका हो रहा है? जनता का, टैक्स पेयर का पैसा, तो जिससे आप करेंसी बार बार चेंज कर रहे हो, जनता का लॉस हो रहा है इसमें, इनको बताइए रहा है। इस भाई अभी तक काला धन नहीं है। 15 इस भाई को आरबीआई के आईबीआर की स्टेटमेंट चेक कराओ, विजय माल्या की 9000 की उसका केस था, 13000 की उसकी प्रॉपर्टी कुर्की हो चुकी है, इसका चक्कर अभी तक नहीं आया। आरबीआई, अरे तू उसकी 15 करोड़ 15 लाख लाने वाले अकाउंट में सगाई करवाओगे, उसकी 13000 की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है, बात खत्म।